हेलो गाइस, मैं हूं अमन, लेके आ गया हूं केमिकल कैलकुलेशन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो जाके उसे देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आई बटन में आपको मिल जाएगा। आज का डीपीपी नहीं मिलेगा, कल लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 3, उसमें मैं डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बढ़िया सा लेक्चर, मजेदार सा लेक्चर। आज हम फुल कंसेप्ट कवर करने वाले हैं। पहले केमिकल कैलकुलेशन में पहले प्रॉब्लम क्या क्या होती है बच्चों के साथ वो जान लीजिए। बैलेंसिंग एक्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम, भैया केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएं सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कैलकुलेट कैसे करें बहुत कंफ्यूजन, ये करीब 4 नंबर का आता है। 1 नंबर एमसीक्यू में, जो एमसीक्यू में अगर आप मान लें कोई बच्चा अगर नहीं भी पढ़ता है तो वो इधर उधर हाथ हिला उला के 1 नंबर ले लेता है, मगर 3 नंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा। एक अगर 3 नंबर हो गया तो 1 नंबर अपने आप हो जाएगा, अगर 3 नंबर करने में आपके अंदर क्वालिटी आ गया तो 1 नंबर कुछ नहीं है आपके सामने। ठीक है, तो आइए वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है आपको, और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जब मैं एक लेक्चर इंट्रोड्यूस करूंगा। तो मैं लेके आ गया हूं केमिकल कैलकुलेशन, यहां मैं लिखा हूं स्टेप्स फॉलोड फॉर सॉल्विंग अ इक्वेशन और इक्वेशन। क्या क्या हम लोग के पास स्टेप्स है, कैसे हम लोग फॉलो करेंगे केमिकल कैलकुलेशंस को, कैसे करें कि भैया ये ठीक हो, कैसे करें कि ये मतलब आंसर निकल जाए। तो देखो क्या लिखा है, ड्राफ्ट एन इक्वेशन। पहले तो आपको जो क्वेश्चन में जिस एक्सप्रेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पढ़ना है, हिंदी में अनुवाद अपने मन में करना है, इतना तो इंग्लिश आता ही होगा कि आप अनुवाद कर सकें, ट्रांसलेट आपको उसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में अपने मन में समझना है, उसके बाद ड्राफ्ट करना है एक इक्वेशन जो उस क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, फिर दूसरा आता है बैलेंस दिस ड्राफ्टेड इक्वेशन। पहले तो आपको उसके बाद क्या करना रहता है, पहले ड्राफ्ट कर दिए इक्वेशन, हम लोग इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया वो मैंने लिख दिया, अब इसको पहले बैलेंस्ड करना है। बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि मैं आगे पढ़ाऊंगा एक लॉ होता है उसके लिए हम लोग को ये बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, वो लॉ कहता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट, जो पहले का मास है केमिकल रिएक्शन का, वो जो निकल के आएगा उसका मास सेम होगा। समझ गया, मैं डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा। फिर आएगा कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, फिर हम लोग जो क्वेश्चन में बोल रहा है जिस जिसका मॉलिक्यूलर मास निकालने बोल रहा है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, जिसका हम लोग इंपॉर्टेंट है, जिसका कंपलसरी है, जो क्वेश्चन में दे दिया है कि मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। फिर हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड, उसके बाद हम लोग यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे और फाइनली हम लोग को वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, पहले ड्राफ्ट करना है। अच्छा, एक चीज गौर करिएगा, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, हिंदी में अनुवाद करना है, एक क्वेश्चन ड्राफ्ट कर लेना है, फिर उस क्वेश्चन को देखिएगा, उस इक्वेशन को देखिएगा कि वो क्वेश्चन से मिल रहा है कि नहीं। यहां आप पहले क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन ड्राफ्ट किए, फिर उस इक्वेशन को ध्यान से उस क्वेश्चन से मिलाइएगा कि हाँ भैया मैच कर रहा है कि नहीं, क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो मैंने लिख दिया कि नहीं। उसके बाद बैलेंस करेंगे हम लोग ड्राफ्टेड इक्वेशन को, बैलेंसिंग एकदम ध्यान से होना चाहिए, बैलेंसिंग में अमूमन बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। फिर कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास किसका, जिसका क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, फिर यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे और फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, आंसर। ठीक है, अब मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, अब कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग, कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग, बहुत सारे लड़कों को दिक्कत होता है कि भैया बैलेंस कैसे करें, बैलेंसिंग में बहुत दिक्कत। तो मैं आज कुछ एक बड़ा ही मजेदार सा अच्छा सा ट्रिक लेके आया हूं आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, पहले तो समझो बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, मार्क्स उठाने के लिए तो चाहिए एग्जाम में, लेकिन बैलेंसिंग जरूरी क्यों है वो भी आपको, तो मार्क्स उठाना तो बैलेंस करना ही है, लेकिन क्यों पहले बैलेंसिंग करना पड़ा हम लोग को, बैलेंसिंग करना पड़ा हम लोग को, एक लॉ था हमारे पास, इसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो लॉ देता है उसके लिए हम लोग को बैलेंस करना जरूरी था। तो पहले तो जानो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देता क्या है, फिर हम लोग बैलेंसिंग के ऊपर बात करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलता है कि द सम ऑफ द रिएक्टेंट, द सम ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जो रिएक्टेंट का सम्स है, जो रिएक्टेंट का सम है, जो रिएक्टेंट को मेरा ऐड करके जितना हमको मास मिल रहा है वो किसका इक्वल होगा, प्रोडक्ट के बराबर। यानी अगर हम लोग सी प्लस ओ टू लगाते हैं तो जो हम लोग को देगा सीओ, सीओ जो देगा उसका क्या होगा, इसका जो मास आएगा वो बराबर होगा इसका। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट हम लोग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट। तो लॉ क्या बोलता है, सम ऑफ द मास, सम ऑफ द मास डाल दो, सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट, सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट, मास ऑफ द प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट। ठीक है, समझ गए। चलो एक और इसको फिर मॉडिफाई किया गया, तो फिर मॉडिफिकेशन के बाद लॉ हम लोग को क्या बोलता है, मैं यहां लिख रहा हूं, लॉ हम लोग क्या बोलता है कि द सम ऑफ द मास एंड एनर्जी, एनर्जी इज ऑफ द रिएक्टेंट, ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास एंड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। पहले हम लोग को मास के बारे में पता चला कि मास जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बराबर होगा, लेकिन जब उसको मॉडिफाई किया गया, मॉडिफिकेशन के बाद क्या मिला कि जो मास है रिएक्टेंट का, मास और एनर्जी दोनों ही वो क्या होगा, इक्वल होगा प्रोडक्ट के पास, प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, समझ गए, बढ़िया सा। अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग। भैया क्या कंसेप्ट लगाएं कि बैलेंस हो जाए, एक बढ़िया सा ट्रिक देने वाला हूं। पहले हम लोग को बैलेंस करना पड़ता है मेटल, फिर मैं पूरा बता रहा हूं, लिख लेने दो, मेटल ओ। तो पहले हम लोग को बैलेंस करना पड़ता है मेटल, मेटल जैसे हो गया जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और सब बहुत सारा मेटल। फिर हम लोग बैलेंस करते हैं नॉन मेटल, नॉन मेटल जैसे हो गया कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और कोई सा भी ले, चलो मेटल हो गया, नॉन मेटल। फिर बैलेंस करते हैं हम लोग ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, इतना ही तक बैलेंसिंग ही है। पहले हम लोग मेटल बैलेंस करेंगे, पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर करेंगे नॉन मेटल को। अच्छा, अब जब नॉन मेटल हो जाए तो फिर एक बार बैलेंस करेंगे मेटल को, जब तक बैलेंस, जब तक पूरा बैलेंस्ड ना हो जाए। ठीक है, पहले हम लोग बैलेंस करेंगे मेटल को, फिर आएंगे नॉन मेटल में। फिर नॉन मेटल जब बैलेंस हो जाएगा तो देखेंगे कि कहीं मेटल इधर उधर तो नहीं हो गया, मेटल का कहीं हम लोगों ने नंबर इधर उधर तो नहीं पलट दिया नॉन मेटल को पलटने के लिए। तो फिर ये पूरा करते करते ये दोनों जब बैलेंस हो जाएगा मेटल नॉन मेटल, पहले मेटल बैलेंस करना है फिर नॉन मेटल, नॉन मेटल बैलेंस की तो फिर मेटल को बैलेंस करेंगे। ठीक है, मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर मेटल जब बैलेंस हो गया फिर नॉन मेटल देखेंगे, फिर नॉन मेटल ही ना गड़बड़ाया, ऐसे करते करते एकदम पूरा बैलेंस हो जाना है, मेटल नॉन मेटल को कर देना है। उसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद फिर इन दोनों को देखना है कि कहीं ये दोनों फिर से तो नहीं गड़बड़ाया।
ठीक है। फिर बैलेंस करेंगे हम लोग हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को बैलेंस करके देखेंगे कहीं ये तीनों कहीं ऑक्सीजन ही गड़बड़ा गया, कहीं नॉन मेटल ही ना गड़बड़ाया, कहीं मेटल ही ना गड़बड़ाया। फिर जब गड़बड़ाया भी होगा तो अगर इन लोगों अगर सही करेंगे फिर ये नहीं ना गड़बड़ाया, फिर इसका जो हम लोग नंबर बैठाएंगे वो इधर उधर तो नहीं हुआ। तो यही हम लोग बैलेंस का तरीका लगाते हैं, पहले मेटल फिर नॉन मेटल फिर ओ फिर एच, ठीक है। इजी सा मेथड, पहले आप लोग ये रट लीजिए कि हाँ भैया बैलेंस ऐसे ही होता है, पहले मेटल बैलेंस करेंगे फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। सच बोल रहा हूं मैं, इसके बाद बैलेंसिंग आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं बैलेंसिंग का, उसके बाद जो हम लोग सम्स करेंगे उसमें बैलेंसिंग का मैं कुछ कुछ तरीका बताऊंगा, ठीक है। चलो पहले ये ले लो एक एग्जांपल जो मैंने कराया था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, हम लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। हम लोग के पास क्या आया था, मेटल नॉन मेटल ओ और फिर एच, यही मिलेगा, यही मिला था, यही मिला था हम लोग को। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, तो पहले यहां मेटल हमको दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं मेटल हमको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, मेटल कहीं दिखाई दे रहा है नहीं। अब नॉन मेटल की बात करते हैं, तो नॉन मेटल दिखाई दे रहा है, कार्बन है, यहां भी कार्बन है, तो पहले नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, मेटल तो है ही नहीं तो मेटल का टर्म हटा दो। फिर नॉन मेटल बैलेंस करेंगे तो नॉन मेटल समझो कार्बन है मेरा यहां, तो कार्बन एक, कार्बन एक नॉन मेटल बैलेंस, इसको भी क्रॉस करते हैं। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहां दो और यहां ऑक्सीजन एक, ना इंसाफी हुई लॉ के अकॉर्डिंग, ये तो बड़ी ना इंसाफी है। तो दो अगर यहां तो यहां भी ऑक्सीजन दो होना चाहिए, तो फिर हम लोग यहां लगा दिए दो। याद रखना कभी भी बैलेंसिंग में यहां कभी टू मत लगाना, कोई भी एलिमेंट का नीचे पर टू लगाना या फिर कोई भी नंबर नीचे नहीं लगाना, नीचे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, नीचे लगाने से पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां मैंने टू लगाया, तो टू लगाने का क्या, ऑक्सीजन बैलेंस। अच्छा अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन बैलेंस करके फिर नॉन मेटल में आना है, नॉन मेटल में आओ, फिर नॉन मेटल देखो बैलेंस है, कार्बन एक, कार्बन एक बैलेंस ही नहीं, बैलेंस तो है ही, कार्बन एक कार्बन एक, कार्बन यहां दो है तो मैंने यहां टू लगा दिया। तो देखो फिर ऑक्सीजन में आते हैं, अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया क्या, दो ऑक्सीजन भी दो, फिर एक बार नॉन मेटल भी चेक कर लो, कार्बन दो बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया ये बढ़िया ना। और यहां हाइड्रोजन का तो टर्म ही नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन का तो टर्म ही नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले देखना है मेटल बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल बैलेंस करके मेटल को देखना है कि बैलेंस है कि नहीं, फिर मेटल बैलेंस, तो फिर नॉन मेटल चेक करना है कि नॉन मेटल तो बैलेंस इम्बैलेंस नहीं हुआ। फिर हम लोग ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करके फिर इन दोनों को देखना है, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करके इन तीनों को देखना है। मतलब एक स्टेप करने के बाद फिर रीचेक करना है कि भैया वो पहला स्टेप सही है कि नहीं, ठीक है। बैलेंसिंग का यही रूल था, सीधा सा बैलेंसिंग, बढ़िया सा बैलेंसिंग रब कर रहा हूं मैं। अच्छा अब ये जानो कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का जो मास नंबर वो 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ठीक है, यही होता है। अब इसको मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाले, तो कार्बन का हमको पता है 40, अच्छा एटॉमिक नंबर हम लोग मैंने पिछले ही क्लास में करवा दिया था, एटॉमिक नंबर लगभग 20 का मैंने कराया, वो 20 ही तक आपको रटना है एटॉमिक नंबर। और फिर उसके बाद अगर आपको मास नंबर निकालना है तो ठीक उसका डबल करते जाना है, जैसे मैंने इसका बताया था 20 है एटॉमिक नंबर तो मैंने डबल कर दिया 12 आ गया, कार्बन का 6 है तो इसका 12 आ गया, ऑक्सीजन का 8 था तो डबल करके मास नंबर 16 आ गया। मॉलिक्यूलर मास मास नंबर से निकलता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास मास नंबर से निकलता है, तो ये 40, ये 12, ये 16,
तो 40 + 12 होगा 40, ये हो गया। अब कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, और जो नीचे नंबर दिया हुआ है यानी ये जो नंबर है इसका मतलब इंटू थ्री, ऑक्सीजन में इंटू थ्री है, ऑक्सीजन में इंटू थ्री है, तो ऑक्सीजन का हमें पता है 16, तो 16 इंटू थ्री ये हमको देगा 100 ग्राम, ये देगा हमको 100 ग्राम। अब ऐसे ही निकालते हैं H2SO4 ले लो एग्जांपल, एग्जांपल करते करते क्लियर होगा। हाइड्रोजन का हमको पता है 1, एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1। जैसे हाइड्रोजन कुछ कुछ है ऐसी चीजें जिसका डबल करने से मास नंबर नहीं आता है, एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर तो 2 होना चाहिए, मैंने बोला डबल। ऐसे कुछ ही चीजें में कारगर है ये ट्रिक, लेकिन सारे चीज में नहीं है, मैं कुछ कुछ लिख दे रहा हूँ एलिमेंट जिसमें ये कारगर नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है लेकिन कुछ कुछ आपको जानना जरूरी है। हाइड्रोजन, फिर मान लो Na मतलब सोडियम, ये होता है 11, ये होता है 23। फिर आता है तुम्हारा क्लोरीन, इसका होता है 17, उसको अगर डबल करने से 34 आना चाहिए, लेकिन आता है इसका 35। अच्छा कहीं नहीं 35.5 है, कोई बात नहीं, ठीक है चलता है, 35 ही लोगे तो कोई खराब नहीं है। हाइड्रोजन हो गया, Na हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है। और एक आता है पोटेशियम, मैं 20 तक बता दे रहा हूं पूरा, जिसका डबल करने से मास नंबर नहीं आता, ये मैं ए लिख दे रहा हूँ, ये एम लिख दे रहा हूँ, चलो ये ए का सीरीज, ये एम का सीरीज। इसका एटॉमिक नंबर 19, डबल करने से तो भैया 38 आना चाहिए, डबल करने से तो भैया 38 आना चाहिए, लेकिन 38 नहीं आ रहा, इसका 39 होगा। बस यही आपको कुछ रटना है, बाकी अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो डबल करते जाओ, आते जाएगा। तो हाइड्रोजन का 1, मास नंबर सल्फर एस 16, सल्फर 16, ऑक्सीजन, अच्छा सल्फर 16, एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32, 32, ऑक्सीजन का 8, एटॉमिक नंबर डबल कर दो, 16 हो गया मास नंबर। अब निकालो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 1 नीचे 2 है तो इंटू 2 प्लस सल्फर 32 प्लस 16 और इंटू 4 होगा क्योंकि नीचे 4, अब देखो निकलेगा 2 हो गया ये, और फिर प्लस 32 प्लस 6 4 16 का टेबल मुझे नहीं आता, 6 4 24, 6 4 1 4 64, ये हो गया 34, 98 ग्राम। तो इसका पूरा मॉलिक्यूलर मास क्या आया, 98 ग्राम, ठीक है, इसका पूरा मॉलिक्यूलर मास आया 98 ग्राम। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। अच्छा अब एक और चीज, कल से सम्स होगा, आज मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ठीक है। एक और चीज समझो, जैसे CaCO3 पिछले ही रह रहा हूं मैं एग्जांपल, इसका हम लोगों ने निकाला था 140 प्लस इसका 40, इसका 12, इसका 16 इंटू 3, तो 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 आ गया ये 100 ग्राम। तो आपसे अगर पूछा कि बताओ कैल्शियम का इसमें कितना परसेंटेज है CaCO3 में, CaCO3 में कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का कितना परसेंटेज है, तो कैसे निकालेंगे? कैल्शियम का हमको पता है 40 ग्राम, तो 40 ग्राम ऊपर रखेंगे और जितना सम आया, जितना सम हमको सम कितना मिला है टोटल 100, और परसेंटेज निकालने के लिए तो लोग इनटू 100 करते ही थे, तो 100 100 कर दिया 40%। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का परसेंटेज कितना है 40%, ठीक है। हम लोग मार्क्स भी तो ऐसे ही निकालते थे, हम लोग पहले मान लो हम लोग आए बोर्ड में 7 सब्जेक्ट्स है, तो 7 सब्जेक्ट मतलब 700 नंबर, तो 700 हम लोग नीचे लिखते थे, और जितना हम लोग को नंबर मिलता था 1 2 3 वो ऊपर, 1 2 3 तो किसी को नहीं मिलता, चलो 1 2 3 ऊपर लिखा, नीचे 700, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते थे, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते थे। तो वैसे ही आप पूछा अगर कार्बन का बताइए, तो कार्बन का 12 हमको पता है, कार्बन का नंबर 12 पता है, टोटल समय 100 ग्राम और इंटू 100 ग्राम मत लिखना, तो 100 कर गया 12%। ऐसे ही ऑक्सीजन का,
ऑक्सीजन का हम लोग को पता है 16 है और इंटू थ्री, 16 × 3 पूरा लेंगे, ठीक है, इसको पूरा लेंगे हम लोग, पहले 40 लिए, 12 लिए, फिर इसको पूरा हम लोग लेंगे, इसका मतलब 16 × 3 मतलब 48, तो फिर 48 बाई 100 इंटू 100 कट किया गया 48, ठीक है, और ऐसे ही 48 ग्राम 48% निकल गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 देख लेना, H2SO4 लेते हैं, H2SO4 लेते हैं, तो H2SO4 का हम लोगों ने निकाला था 98 ग्राम्स, तो इसे पूछा आपको मान लो हाइड्रोजन का कितना है, तो हाइड्रोजन का मास नंबर 1 इंटू 2 यानी 2 ग्राम्स, तो हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज 2 बाय कितना होगा, सम कितना है 98 इंटू 100 का 2 कितना आया 4.9। अब इसको कैलकुलेट कर लो और उतना परसेंटेज आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, कैलकुलेशन के बाद लिखना। ऐसे ही पूछा सल्फर का, तो सल्फर का 32 ग्राम, कुछ इसमें नंबर नहीं है तो 32 का 32, तो 32 बाय 98 इंटू 100 इसको भी कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा जो आएगा वो परसेंटेज में वैल्यू होगा। ऐसे ही ऑक्सीजन का भी, ऑक्सीजन का O4 है मतलब 16 × 4 बाय 98 इंटू 100 जो आएगा वो परसेंटेज में, ठीक है, समझ गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप अपने तरफ एग्जांपल लेना, मान लो आपको 100 में 60 नंबर आया, परसेंटेज तो सबको आता हुआ निकालना, आपको 100 में 60 नंबर मिला, तो 16 × 100 करते थे मतलब यू गॉट द मार्क्स ऊपर, जो तुम्हारे पास अचीव किया हुआ मार्क्स है वो ऊपर, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स नीचे, और इंटू 100% इंटू 100%, तो ऐसे ही समझो मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट बाई सम ऑफ द, बढ़िया समझ गया, आप देखो मैं और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा, बढ़िया सा लेक्चर, मजेदार सा लेक्चर। अच्छा एक सम्स करा ही देता हूं, मैंने बताया था कि हम लोग सम्स कैसे करते हैं, सम्स हम लोग लास्ट में यूनिटरी मेथड से करते हैं, यूनिटरी मेथड तो सबको पता है, यूनिटरी मेथड तो सबको आता है, मैंने बिहेवियर ऑफ गैसेस में भी कराया था यूनिटरी मेथड, ठीक है, वो तो आता है ना। एग्जाम्स कर ले आज। अच्छा सम्स करने से पहले ये बात जान लो, केमिकल इक्वेशन किसी से बनता नहीं है क्वेश्चन पढ़ के, तो मैं बता दे रहा हूं कैसे। आप एक तो पहले फिजिक्स में फील लेके आओ कि फिजिक्स करना है, फोड़ना है, फिजिक्स में मजा वाला चैप्टर है, फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग, फिजिक्स तो ऐसे है इंटरेस्टिंग, आपको अंदर से फील आनी बहुत जरूरी है, और प्लस केमिकल इक्वेशन तो किसी से लगभग नहीं होता है, अगर आप लैब में हो, लैब में टेस्ट करके जो निकलता है वो अमूमन किसी को याद नहीं होता है, किसी को पता नहीं चलता कि इसके बाद क्या मिलेगा, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते हो, आप डेली 10 क्वेश्चन लगाओ, 10 क्वेश्चन बिहेवियर ऑफ गैसेस के, 10 क्वेश्चन केमिकल कैलकुलेशन के, तो मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि आप एकदम केमिकल कैलकुलेशन का हर एक इक्वेशन बन जाएगा, बिहेवियर ऑफ गैसेस का हर एक सम्स बनेगा, कुछ कुछ तो मैंने सम्स दे ही दिया है, बिहेवियर ऑफ गैसेस में 6 लेक्चर मैंने बनाया था, 6 लेक्चर में एकदम सम्स है, डीपीपी में मैंने सम्स दिया है, डीपीपी में अभी भी प्रॉब्लम है, मैं देख रहा हूँ, आशा करता हूँ मैं जल्दी ही डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा बिहेवियर ऑफ गैस का लेक्चर नंबर 6 का, ठीक है। तो मैंने अब पहले सम्स करने से पहले एक चीज जान लेना जरूरी है, क्या होता है वेपर डेंसिटी, मैंने यहाँ लिख दिया है, देखने में बड़ा ही तामझाम लग रहा है, लग रहा है कि मैंने क्या उर्दू फारसी लिख दिया, लेकिन बड़ा ही सीधा साधा डेफिनेशन पढ़ते चलेंगे, अपन समझते चलेंगे डेफिनेशन क्या बोलता है। द वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज द रेशियो, वेपर डेंसिटी एक गैस का रेशियो है बिटवीन द मासेस, वेपर डेंसिटी जो है गैस का वो रेशियो बतलाता है, किसका रेशियो बतलाता है भैया, बिटवीन द मासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ अ गैसेस, उस गैस जिसका मास और वॉल्यूम इक्वल है, जो गैस का और हाइड्रोजन का, उसी का रेशियो बताता है। फिर से एक बार, रेशियो बिटवीन द मासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस, मास बताता है
बिटवीन द मासेस एंड ऑफ इक्वल वॉल्यूम, बिटवीन द मासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस एंड हाइड्रोजन. ठीक है, कोई भी गैस का इक्वल वॉल्यूम मासेस और हाइड्रोजन का रेशियो दिखलाता है. ठीक है, कंडीशन कैसा होती है, सेम सिमिलर कंडीशन, कंडीशन कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर एकदम सेम होना चाहिए. कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर सेम होगा तब जो होगा गैस का जो मास और जो वॉल्यूम इक्वल होगा हाइड्रोजन वाला के साथ, जो मैंने रेशियो बतलाया, तब कब होगा ये जब सिचुएशन, जब टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा. तो वेपर डेंसिटी मैंने क्या लिख दिया, मास ऑफ वन वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो मास है एक वॉल्यूम वो डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर कंडीशन. एक वॉल्यूम और कोई भी गैस का टेम्परेचर और ये जो है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, एकदम सेम टेम्परेचर होना चाहिए दोनों में. तो मास ऑफ वन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, हो गया. चलो फिर एक तो अगला है, वेट ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. एन मॉलिक्यूल्स, एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स, एक दो तीन चार, नंबर कोई भी. वेट ऑफ एन मॉलिक्यूल्स, इसको ऐसे लिख दो, वेट ऑफ एन को जगह वन डाल दो, टू वन डाल दो, दोनों में ही वन होना चाहिए, टू डाल दो, टू डाल दो, थ्री डाल दो, थ्री डाल दो, ऐसे ही. और एक चीज, ये दो फॉर्मूला तो आपको रटने ही है, वेपर डेंसिटी किसको बोलती है, क्या होता है ये, किस किस चीज का रेशियो है. और एक चीज आपको कर लेना है वो है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये मस्ट है एकदम, ये करना बहुत जरूरी है. शायद इस पे इस बार सम्स भी आ जाए 21 में, आज तक नहीं आया लेकिन शायद इस बार आ जाए, क्योंकि ये अधिकतर एबीटी में भी है, बहुत सारे चीजों में दिया हुआ रहता है इस टाइप का सम्स. इन दोनों का कोई काम नहीं, अधिकतर कोई भी सम्स ज्यादातर दिया हुआ नहीं है बुक में, और आशा भी नहीं करते हैं कि इन दोनों फॉर्मूला बेस्ड कोई सम्स आएगा. तो हम लोग इसको पकड़ते हैं, इसको रट लेना बहुत जरूरी है. 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस. जो लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर मास, जो लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालते थे, दोनों डिफरेंट चीज है, लेकिन आपके लिए अभी तक समझने के लिए मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास समझो कि सेम है 10th तक, उसके बाद 11 में ये भ्रम दूर होगा. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस. अगर मॉलिक्यूलर वेट, अगर एक गैस का, एक गैस का आपको वेपर डेंसिटी दे दिया है, एक मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, आपको बोलेगा वेपर डेंसिटी निकाल लो, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, 2D इक्वल्स टू m, तो D इक्वल्स टू m बाय 2. ठीक है, ये 2020 में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है. हाँ, और आशा करते हैं आगे भी आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वेपर डेंसिटी कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2. हो गया कंप्लीट, एकदम खत्म. फिर से रेशियो किसका है, मास ऑफ वन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाला. और यहां कोई भी गैस का मॉलिक्यूल ले लो, उसको किससे करना है, हाइड्रोजन से. मॉलिक्यूल ले लो, वॉल्यूम ले लो, इसके डिवाइड होगा हमेशा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल या फिर वॉल्यूम से डिवाइड होने वाला है ये. बढ़िया, मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा. ठीक, एक सम्स कर लेते हैं आज के लिए. आज का लेक्चर आपको फिर से तुमको पता है क्या देखना होगा. आज आपने जैसे देखा, आज आपने अगर दिन में देख रहा है, आप अगर दिन में देख रहे हैं उसके बाद शाम में रिवीजन लगाइए ये लेक्चर. ठीक है, और नोट्स बनाते चलिए जो मैं लिखा रहा हूं. ठीक है, ये नोट्स बनाना जरूरी है, और नोट्स इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप एग्जाम टाइम एक बार देखो और पूरा हो जाए, क्योंकि आपके पास बुक खोलने का तो टाइम रहेगा नहीं, बुक खोलने का तो टाइम तो रहेगा नहीं. अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ, लास्ट क्वेश्चन आज का, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन. लाइमस्टोन को हम लोग हीट कर रहे हैं, लाइमस्टोन को हम लोग हीट दे रहे हैं, तब क्या हो रहा है, डिकम्पोजेस किसमें हो रहा, क्विक लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में. ठीक है, देखो लाइमस्टोन मतलब CaCO3 और क्विक लाइम मतलब CaO, ये आपको याद होनी चाहिए. तो इतना ही लाइन मिलकर हमको केमिकल एक इक्वेशन मिल रहा है, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग लाइमस्टोन डिकम्पोजेस इनटू अ क्विक लाइम CaO एंड कार्बन डाइऑक्साइड. मैंने क्या पहले एक स्टेप क्या बताया था, पहले ड्राफ्ट इक्वेशन, पहले इक्वेशन बनाना है, तो हमें सीधा साधा इक्वेशन बनाएंगे.
CaCO3 डिकम्पोज हो रहा है और क्या क्या दे रहा है हमें, क्विक लाइम दे रहा है और CO2 दे रहा है। अब CO2 गैस है तो हमेशा हम लोग गैस के लिए एक एरो ऊपर लगाते हैं, क्योंकि गैस क्या होगा ऊपर निकल जाएगा, ऊपर हवा में निकल जाएगा, गैस के लिए हम लोग हमेशा लगाते हैं, ये याद रखना ठीक है, हमेशा तुम भी लगा देना, अच्छा लगाना कोई जरूरी नहीं है लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग करते थे, तो बैलेंसिंग देखो पहले क्या करते थे हम लोग, मेटल फिर नॉन मेटल फिर ओ फिर एच ठीक है। तो पहले मेटल देखोगे यहां सीए दिखा रहा है कैल्शियम मेटल, तो देखो पहले मेटल बैलेंस करना, कैल्शियम एक है यहां, कैल्शियम यहां भी एक है ठीक है, बैठाना नहीं पड़ता है ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम एक कैल्शियम एक। अब बात करते हैं कैल्शियम हो गया मेटल हो गया, अब बात करते हैं नॉन मेटल, अब नॉन मेटल का काम करते हैं कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक और कहीं कार्बन नहीं, ये भी बैलेंस्ड है। अब फिर एक बार मेटल देखना कहीं मेटल इधर उधर तो नहीं हुआ, ये कैल्शियम एक हो गया यहां भी कैल्शियम है, फिर एक बार नॉन मेटल देखो सी एक सी एक, चलो मेटल नॉन मेटल का पूरा काम खत्म, पूरा काट दो भाड़ में गया मेटल नॉन मेटल, अब उसका कुछ काम नहीं। फिर अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन है यहां हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, काट दो हाइड्रोजन का काम ही नहीं, ऑक्सीजन देखो यहां तीन यहां एक हो गया और यहां दो तीन हो गया। फिर एक बार इसमें आ नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल आ गया सी एक सी एक, फिर मेटल में आ कैल्शियम एक कैल्शियम एक, फिर ऑक्सीजन देखो ओ थ्री ओ बैलेंस। अब क्या करते थे हम लोग, अब मॉलिक्यूलर वेट निकालते थे, मॉलिक्यूलर वेट निकालते थे तो वो कैसे निकलेगा, कैल्शियम का 40 मास नंबर प्लस 12 प्लस 16 इनटू 3 तो ये देगा हमको लोगों 100 ग्राम ठीक है। और फिर सबका निकाल देते हैं, सबका मैं निकाल दिया करता था अपने टाइम थोड़ा एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए, तो इसका मैं निकाल दिया, ऐसे सबका निकालना जरूरी नहीं है लेकिन मैं निकाल देता था, इसका आएगा 12 प्लस 16 इंटू 2 विच गिव्स 44 ग्राम। अच्छा अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मतलब CaCO3, हम लोग को लाइमस्टोन चाहिए, ये लिख दो चाहिए, सी लिख दो यहां इसको चाहिए ठीक है। विल प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 30 ग्राम ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम के बारे में दिया हुआ है, इसको इससे निकालना है, इसको एन लिख दो, मान लो लिखना ऐसे जरूरी नहीं ऐसे फन के लिए, एन लिख दो मतलब लोग, उसके बाद बाई अबव रिएक्शन मतलब काम हमको इसका ही है, इन दोनों का ही है, कार्बन का कोई काम नहीं है ठीक है। तो अब देखो अब फिर कैसे करेंगे, तो अब देखो हम काम है इन दोनों का ही, कैल्शियम कार्बोनेट का और CaO का, तो कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग को 100, जिसको हम लोग चाहिए वो हम लोग यहां रखते हैं और जिससे निकालना है वो हम लोग यहां रखते हैं, मतलब NC पहले N फिर C ठीक है। ये बच्चे मिस्टर किसको पहले रखे यूनिटरी मेथड, अब तुम लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगे, मैंने स्टेप बताया था। तो अब शुरुआत से देखो 56 ग्राम पहले तुम लोग 56 ग्राम पता है, बाद में बोला है कि 30 ग्राम निकालने के लिए, बाद में बोला है कि 30 ग्राम ऑफ CaO में कितना है ठीक है, देख लेता हूं क्वेश्चन, हाँ 30 ग्राम ऑफ CaO में कितना है, पहले तुमको पता है 56 में 100 ग्राम है, जब ये इक्वेशन लड़ रहा है तो 56 ग्राम जब हम लोग निकाल रहे हैं तब इसका 100 ग्राम है, तो 56 ग्राम ऑफ CaO प्रोड्यूस फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ CaCO3 ठीक है। अब फिर हम निकालेंगे 1 ग्राम का CaO इक्वल डॉट डॉट 100 बाय 56 ग्राम ऑफ CaCO3, फिर देखो हम लोग कितना बोला 30 ग्राम 30 रखेंगे यहां CaO डॉट देते चलो 100 बाय 56 इंटू 30 ग्राम ऑफ CaCO, यही होगा। हम लोग यूनिटरी मेथड ऐसे ही करते हैं, पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं जो यहाँ 1 का निकालेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 30 का निकालेंगे इंटू हो जाएगा ठीक है, ऐसे करते करते यूनिटरी मेथड जिसको भूल भी गया है उसको आ जाएगा यूनिटरी मेथड।
मैं इक्वेशन मिटा रहा हूं, जगह नहीं होगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करके हम लोग को देता है 53.6 ग्राम ऑफ CaCO3। तो 30 ग्राम में कितना मिला हमको, 53.6 CaCO3 आंसर। पता है ये बहुत कंफ्यूजन सा है, अगले क्लास में फिर ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तब तक आपको सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगला मैं लेक्चर कल ही या परसों दे दूंगा, ठीक है। समझ में मैं आशा करता हूँ सबको आ गया होगा, नहीं भी आया तो अगले क्लास में और ऐसा सम्स करेंगे मजेदार सा। आज के लिए मैं क्लास एंड यही करता हूँ, बहुत ही लंबा लेक्चर हो चुका है। चलो ठीक है, बाय, जय हिंद, जय भारत।